कहानी के शुरुआत के स्टार्टिंग में नौजवानों का एक झुंड पार्टी के दौरान टेबल पर बैठा था। झुंड की लड़कियां अपना कुछ ग्राम वजन बढ़ने की वजह से डिप्रेशन में जा रही थी। उनमें से एक लड़की ने कैलोरीज गिनने वाले ऐप के बारे में बताया। दूसरी लड़की भी वो ऐप डाउनलोड करने लगी, पर वहाँ पर उसे काउंटडाउन नाम की ऐप दिखाई दी। ऐप के नीचे लिखा निबंध पढ़कर उसे पता चला, ये ऐप लोगों की मौत का समय बताती है। अपनी मौत का समय जानने के लिए सभी ने वो ऐप डाउनलोड कर ली। वहाँ पर मौजूद हर कोई 30 से 60 साल और जिंदा रहने वाला था, पर कर्टनी के पास आखिरी 3 घंटे बचे थे। तभी वहाँ पर कर्टनी का बॉयफ्रेंड इवान आया। उसने वहाँ पर ही सारी मदिरा गटक ली। अब वो घर जाने के लिए कार में बैठे, पर नशे में धुत इवान यहाँ वहाँ डोल रहा था। कर्टनी को उसकी हालत देखकर चिंता होने लगी, कहीं ये बेवड़ा चलती गाड़ी में ही नागिन डांस ना करने लग जाए। वो कार से उतरकर पैदल ही घर की ओर बढ़ने लगी। इवान उसे गाड़ी में बैठने के लिए राजी करने लगा, पर कर्टनी ने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया। इवान भी एक ही झटके में गाड़ी दौड़ाते हुए आगे निकल गया। तभी कर्टनी के मोबाइल में उस ऐप की एक नोटिफिकेशन आई। उस नोटिफिकेशन के हिसाब से कर्टनी ने यूजर एग्रीमेंट तोड़ा था। अचानक उससे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज आने लगी। अब कर्टनी के पास आखिरी 2 मिनट ही बचे थे। आखिरी समय नजदीक आने की वजह से ऐप लगातार बजता ही जा रहा था। वो डर के मारे घर में चली गई। उसने परेशान होकर मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। डर के मारे उसका गला सूख रहा था, जिस वजह से वो पानी पीने गई। उसे पर्दों के पीछे किसी की आवाज आई। पर्दों को देखकर वो फिर से पानी पीने लगी। फिर से पर्दों से आवाज आने लगी। अचानक किसी अज्ञात चीज ने उसे एक ही झटके में ऊपर उठाकर नीचे पटक दिया। टायर जीरो होते ही कर्टनी की मौत हो चुकी थी। दूसरी ओर इवान की गाड़ी भी ठुक गई थी। एक्सीडेंट के दौरान कर्टनी के सीट के आर पार कोई चीज घुसी हुई थी, मतलब कर्टनी की मौत कहीं न कहीं तय थी। एक अस्पताल में क्वीन नाम की नर्स इवान को ढूंढते हुए एक कोने में गई। वेन उससे बातें करके उसे सर्जरी के लिए निश्चिंत करने की कोशिश कर रही थी, पर दरअसल इवान काउंटडाउन ऐप की वजह से परेशान था। उसके पास आखिरी के 19 घंटे ही बचे थे। उसने ऐप का टाइमर और कर्टनी की मौत के बारे में बताया। इवान को पूरा भरोसा था कि 19 घंटे बाद सर्जरी के दौरान ही उसकी मौत हो जाएगी, पर क्वीन ने उसे निश्चिंत होकर अपने कमरे में जाने के लिए कहा। क्वीन ने अपने साथियों को उस ऐप के बारे में बताया। उन सभी लोगों ने फ्री में ऐप डाउनलोड कर ली। वहाँ मौजूद हर इंसान लंबी जिंदगी जीने वाला था, सिवाय क्वीन के। उसके पास आखिरी 2 दिन ही बचे थे। तभी उसका सीनियर डॉक्टर उससे फ्लर्ट करने लगा, पर क्वीन ने उस गधे को घास नहीं डाली। शाम को किसी डॉक्यूमेंट की तलाश में वो अपने पिता के घर गई। वो डॉक्यूमेंट चेक ही कर रही थी, अचानक उसे अलमारी से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। क्वीन जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर अलमारी खोलने गई। अलमारी में क्वीन की बहन जॉर्डन अपनी बॉयफ्रेंड के साथ छुपी हुई थी। बड़ी बहन होने के नाते क्वीन ने जॉर्डन को फटकारा, पर आजकल के बच्चे। जॉर्डन उल्टा क्वीन पर ही गुस्सा होकर चली गई। उन दोनों की आवाज सुनकर उनके पिता भी वहां पर पहुंच गए। बहुत दिनों बाद अपनी बेटी को सामने देखकर वो खुश हुए। अस्पताल में इवान हाथ में मोबाइल पकड़कर अपनी मौत का काउंटडाउन देख रहा था। अपनी लंगड़ी टांग लेकर वो हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करने लगा। उसके ऐसा करते ही एक नोटिफिकेशन आई, तुमने यूजर एग्रीमेंट तोड़ा। तभी सामने के शीशे में उसे एक काला साया नजर आया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, पर पीछे कोई नहीं था। अब उसका आखिरी समय करीब आते जा रहा था। आखिरी कुछ ही मिनट बचने के कारण ऐप पर नोटिफिकेशन की बौछार होने लगी। अचानक अंधेरे में किसी के कदमों की आवाज आई। वो डर के मारे टॉर्च लगाकर यहाँ वहाँ देखने लगा। तभी ऊपर मरी हुई कर्टनी नजर आई, जिसका मुंह भयानक दिख रहा था। वो अजीब तरीके से इवान का पीछा करने लगी। इस भागा दौड़ी में इवान का मोबाइल नीचे सीढ़ियों पर गिर गया। टाइवर जीरो होते ही इवान भी नीचे पटक कर मारा गया। अस्पताल में क्वीन इवान को ही ढूंढ रही थी, पर एक नर्स ने उसे इवान की मौत के बारे में बताया। उसकी मौत की खबर सुनकर क्वीन भी सदमे में चली गई, क्योंकि उसने भी वो ऐप डाउनलोड की थी। वो तुरंत इवान का मोबाइल तलाशने लगी, पर फिंगरप्रिंट लॉक की वजह से वो मोबाइल खोल नहीं पाई। मोबाइल अनलॉक करने के लिए उसने बेचारी लाश के अंगूठे से मोबाइल अनलॉक करने की कोशिश की, पर ठंडी उंगलियों से मोबाइल अनलॉक नहीं हुआ। अब वो उसके चेहरे से फेस लॉक खोलने की कोशिश करने लगी। उसने इवान की दोनों आंखें खोलकर मोबाइल अनलॉक किया। अचानक इवान का हाथ हिलने से डर के मारे उसके हाथ से मोबाइल नीचे गिर गया। फोन उठाते वक्त उसने देखा इवान का चेहरा उसी की ओर मुड़ा था और उसकी आंखें क्वीन को ही घूर रही थी। क्वीन ने कहा, ए तुम लाश हो, सो जाओ। उसे फ्रीजर में बंद करके वो अपना टाइमर देखने लगी। उसके पास 2 दिन ही बचे थे। 2 दिन बाद वो अपनी बहन और पिता के साथ अपनी माँ की समाधि पर जाने वाली थी। डर के मारे उसने पिता को कॉल करके प्लान कैंसिल करने के लिए कहा। अगले ही पल उसे एक नोटिफिकेशन आई। उस नोटिफिकेशन में लिखा था, तुमने यूजर एग्रीमेंट तोड़ा है। नोटिफिकेशन पढ़कर क्वीन परेशान हो गई। स्टोर रूम से गुजरते वक्त उसे एक काला साया नजर आया। वापस आकर देखने पर साया गायब हो चुका था। अगले ही पल किसी ने क्वीन के कंधे पर हाथ रखा। ये वही डॉक्टर चिपकू था।
एक सीरियस पेशेंट के वार्ड में डॉक्टर क्वीन से बदतमीजी करने लगा। डॉक्टर को धक्का मारकर क्वीन गुस्से में बाहर चली गई। उसे फिर से ऐप से नोटिफिकेशन आई। ऐप से परेशान होकर क्वीन ऐप अनइंस्टॉल करने लगी, पर वो फ्री ऐप अनइंस्टॉल ही नहीं हो रहा था। उसने इंटरनेट पर ऐप अनइंस्टॉल करने की तरीके ढूंढना शुरू कर दिया, पर उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। उल्टा उसे एक लड़की की वीडियो मिली जो काउंटडाउन ऐप की वजह से परेशान हो चुकी थी। उसे अपनी मरी हुई कजन दिखाई दे रही थी। उसने कहा, उसका वक्त खत्म हो रहा है। अगले ही पल किसी चीज को देखकर लड़की चिल्लाने लगी। इसी के साथ वो वीडियो खत्म हो गया। वीडियो देखकर क्वीन और ज्यादा डर गई, पर वीडियो के नीचे कुछ महापुरुषों की कमेंट थी। उनके मुताबिक ये वीडियो पूरी तरह फेक थी। उनके कमेंट्स पढ़कर क्वीन ने राहत की सांस ली। लैपटॉप बंद करते ही उसे सामने मरा हुआ इवान नजर आया। उसे देखकर क्वीन की जान ही निकलने को आई। अगले ही पल मोबाइल पर एक और नोटिफिकेशन आई। उसने लात मारकर फोन तोड़ने की कोशिश की, पर काउंटडाउन लगातार चालू था। अगले दिन जॉर्डन क्वीन के घर आई। क्वीन के मोबाइल में काउंटडाउन ऐप देखकर जॉर्डन क्वीन का मजाक उड़ाने लगी। एक बार फिर ऐप बंद करने की कोशिश में डिस्प्ले की टूटी हुई कांच चुभकर क्वीन की उंगली से खून निकलने लगा। पुराना मोबाइल ही फेंक देने की विचार से क्वीन नया फोन लेने चली गई। अपनी तसल्ली के लिए उसने नया फोन चालू करके देखा। उसमें वो ऐप नहीं थी, वो बस जा ही रही थी। तभी उसी ऐप की नोटिफिकेशन उसे नए मोबाइल में भी आ गई। दुकानदार को खरी-खोटी सुनाकर उसने उसे ऐप डिलीट करवाने के लिए कहा, पर दुकानदार की लाख कोशिशों के बावजूद ऐप डिलीट नहीं हुई। परेशान होकर क्वीन मोबाइल लेकर चली गई। वही मौजूद मैट उसी ऐप के बारे में पूछने लगा। कार में बैठते ही उसे बैक व्यू मिरर में काला साया नजर आया, पर पीछे देखने पर वहाँ कोई नहीं था। अगले ही पल एक साया ने उसकी दोनों आंखें दबा दी। इस वजह से क्वीन की कार आगे खड़ी गाड़ी से टकरा गई। अपनी ठुकी हुई गाड़ी देखकर गाड़ी का मालिक क्वीन पर भड़क उठा। तभी मैट बीच बचाव करने वहां आ धमका। अपने डोले शोले दिखाकर उसने गाड़ी के मालिक को भगा दिया। दरअसल मैट की भी मौत की घड़ी पास आ रही थी और ये ऐप उसे घड़ी घड़ी इसकी याद दिला रहा था। तभी उन्हें यूजर एग्रीमेंट का ख्याल आया। उन्होंने एक प्रोफेशनल बेवड़े के मोबाइल में ऐप डाउनलोड की। एग्रीमेंट में लिखा था, उन्हें अपनी किस्मत से भागना नहीं है। ताज्जुब की बात थी, रोज शराब पीकर गटर में गिरने वाला आदमी और 40 साल जीने वाला था। मैट और क्वीन पादरी से मिलने चले गए। उन्होंने पादरी से डेमोन्स के बारे में पूछा, पर पादरी को डेमोन्स पर भरोसा नहीं था। कुछ देर बाद मैट हल्का होने लगा। तभी किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। पीछे देखने पर उसे दो छोटे छोटे पैर नजर आए। हाथ धोते वक्त उसे सुलभ शौचालय में बच्चा चलती हुई दिखाई दिया, पर अंदर पार्टीशन होने के बावजूद वो बच्चा ऐसे कैसे कर पाया, मैट ये सोच ही रहा था। तभी वहाँ की लाइट चली गई। अचानक काले साये ने मैट पर हमला किया। वो साया मैट की जमकर कुटाई कर रहा था, तभी लाइट आ गई। अगले ही पल उस साये की जगह एक वॉचमैन था। दूसरी ओर क्वीन ने डॉक्टर चिपकू की शिकायत सीनियर से की, पर वहाँ डॉक्टर ने उल्टा क्वीन पर ही इल्जाम लगा दिए। डॉक्टर की साइड लेते हुए सीनियर ने क्वीन को ही सस्पेंड कर दिया। कुटाई की वजह से बाहर मैट सदमे में बैठा था। उसने अपनी कुटाई वाली बात क्वीन को नहीं बताई। चर्च के अंदर एक रूम में डेमोन्स को मारने वाला पादरी बैठा था। अपने जैसे पागलों को देखकर वो उन्हें एक कहानी सुनाने लगा। पुराने जमाने में एक राजकुमार को एक टोटका वाली ने एक स्क्रॉल दिया था, जिसमें राजकुमार की एक्सपायरी डेट लिखी थी। अपनी मौत का वक्त पता होने की वजह से राजकुमार ने हर जगह आतंक मचा रखा था, पर दरअसल उसकी मौत का समय शैतान ने ही स्क्रॉल पर लिखा था। मतलब मौत का समय पता चलते ही शैतान उसके पीछे लगा हुआ था। ठीक उसी तरह इन लोगों के साथ भी हो रहा था। मतलब टाइम देखते ही सबके पीछे शैतान लग चुका था। वो बस सही समय के इंतजार में था। थोड़ा दिमाग लगाकर वो मोबाइल वाले के पास चले गए। पैसों का लालच देकर उन्होंने ऐप हैक करवा लिया। वहाँ मौजूद अपने काउंटडाउन टाइमर को बढ़ाने लगे। उन्होंने जॉर्डन का टाइम भी चेंज कर दिया। उनके टाइम चेंज करते ही जॉर्डन के मोबाइल का टाइम चेंज हो गया। दोनों खुश हो गए क्योंकि उन्होंने सस्ते में ही अपनी लाइफ बढ़ा ली थी। एक दूसरे का सहारा बनने के लिए वो क्वीन के घर पर रुके। वो दोनों लाइट चालू रखकर ही लेट गए। रात को अचानक लाइट झगमगाने लगी। किसी की आहट सुनकर क्वीन मैट को जगाने लगी, पर वो मैट ना होकर शैतान था। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर मैट तुरंत वहां आ गया। अगले ही पल शैतान गायब हो चुका था। उनकी सस्ती हैकिंग से कुछ भी फायदा नहीं हुआ। उनकी मौत का ओरिजिनल समय वापस लौट आया था। दूसरी ओर जॉर्डन की भी एक्सपायरी डेट चेंज होकर पास आ गई। अपने कमरे में आकर उसने दरवाजा बंद करवा लिया, और अगले ही पल दरवाजा फिर से खुल गया। डर के मारे वो बेड के नीचे छुप गई। वहाँ उसे अपनी मरी हुई माँ की आवाज सुनाई देने लगी, जो क्वीन के बारे में ही पूछे जा रही थी। किसी ने एक ही झटके में बेड खिसका दिया और उसके सामने उसकी मरी हुई माँ प्रकट हुई। अपनी माँ को देखकर खुश होने के बजाय पागल लड़की चिल्लाते हुए भाग गई। अब तक वहाँ पर क्वीन और मैट भी पहुँच चुके थे। वो तीनों उसी पादरी के पास गए। ऐप के कोड को पढ़कर उसने बताया, कोड लैंग्वेज में एक शराब छुपा हुआ है।
अगर तुम किसी को एक्सपायरी डेट के बाद भी जिंदा रख पाए तो शायद ये श्राप खत्म हो जाएगा। उसने उन्हें आयोडीन युक्त पवित्र नमक के घेरे में रहने का आइडिया दिया। क्विन ने नमक और पेंट के घोल से एक डिजाइन बनाई। अपना समय पास आने की वजह से मैट परेशान हो रहा था। क्विन उसे झूठी तसल्ली देने की कोशिश करने लगी क्योंकि वो मरने वाला है, ये सबको पता था। तभी अचानक कमरे की बिजली चली गई। वो सभी तुरंत सर्कल में चले गए। डेमोन चाहकर भी उस नमक के घेरे में नहीं जा पा रहा था। अगले ही पल एक छोटा रोबोट सर्कल की ओर बढ़ने लगा। ये रोबोट मैट के मरे हुए छोटे भाई का था। अपने भाई को देखकर मैट उसकी ओर बढ़ने लगा। उसके एक कदम बाहर रखते ही डेमोन उसे घसीटते हुए अंधेरे में ले गया। फिर अंधेरे से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। क्विन उसे बचाने के लिए बाहर भागी, पर एक तेज रफ्तार कार ने मैट को कुचल दिया। इसी के साथ मैट का टाइमर भी खत्म हो चुका था। इस भागदौड़ी में जॉर्डन भी जख्मी हो चुकी थी। अस्पताल में डॉक्टर चिकू जॉर्डन से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर क्विन के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आई। वो डॉक्टर चिकू के ऑफिस में गई, उससे माफी मांगकर उसे हॉस्पिटल के बंद कमरे में बुला लिया। डॉक्टर चिकू तुरंत वहां पर चला गया। उसके आते ही क्विन ने उस पर ओरेंज से वार किया और मॉर्फिन का ओवरडोज देकर डॉक्टर को मारने की कोशिश करने लगी, पर जॉर्डन ने उसे ऐसा करने से रोका। उन दोनों की बहस में डेमोन ने डॉक्टर को घसीटकर बचा लिया। दरअसल क्विन डॉक्टर को उसकी मौत के समय से पहले मारकर श्राप तोड़ना चाहती थी, इसीलिए डेमोन ने डॉक्टर को बचा लिया था। जॉर्डन के पास अब आखिरी 2 मिनट बचे थे। दूसरी ओर डॉक्टर और क्विन में हाथापाई हो रही थी। क्विन ने एक ही लात में डॉक्टर के करोड़ों का नुकसान कर दिया। तभी शैतान ने आकर क्विन को दूर फेंक दिया। आखिरी वक्त नजदीक आने की वजह से डेमोन हाथ धोकर जॉर्डन के पीछे पट चुका था। क्विन मॉर्फिन का इंजेक्शन लेकर वहां पहुंची। वो इंजेक्शन अपने हाथ में घुसाने ही वाली थी, तभी डेमोन उसकी माँ के रूप में आकर उसका ध्यान भटकाने लगा, पर अपना ध्यान न भटकाकर उसने इंजेक्शन इंजेक्ट कर लिया। ऐसा करते ही वो समय से पहले मॉर्फिन के ओवरडोज की वजह से मारी गई। विन के वक्त के पहले ही मारे जाने की वजह से श्राप टूट गया। अपनी बहन को मरा देखकर जॉर्डन रोने लगी। उसे क्विन के बाजू पर एक दवाई का नाम लिखा हुआ दिखा। उस दवाई की शीशी बाजू में ही पड़ी थी। जॉर्डन ने तुरंत दवाई को क्विन के बाजू में इंजेक्ट कर दिया। दवाई की वजह से मॉर्फिन का असर खत्म होकर क्विन वापस जिंदा हो उठी। उस दिनों बाद वो अपनी माँ की समाधि पर गए। वहाँ से लौटते वक्त उसे एक नोटिफिकेशन आई। उस ऐप की बीटा वर्जन आ चुकी थी, मतलब डेमोन अपडेट हो चुका था। इसी शॉकिंग एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।